हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है टंग, जो कि आपके बी फार्मा सेकेंड सेम एचएपी सेकेंड और यूनिट सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। और आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 10 है। अभी तक हम लोग अपने लेक्चर 9 कंप्लीट कर चुके हैं एचएपी सेकेंड के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर गो थ्रू कर सकते हैं प्लेलिस्ट एचपी सेकेंड नाम से। ठीक है, सो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो हम सबसे पहले समझते हैं टंग होता क्या है। सो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। ओके, सो जो आपकी टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है आपके माउथ यानी मुंह का। ओके, इट इज़ कवर्ड विथ मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। ये आपकी कवर्ड, जो आपकी टंग है वो कवर्ड होती है मॉइस्ट पिंक टिश्यू से, जिसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, इसे आप कोरिलेट कर सकते हो म्यूकोसा लेयर से, और जो मॉइस्ट है यानी इसे आप रिलेट कर सकते हो मॉइस्चर से। यानी क्या होता है, जो आपकी पिंक टिश्यू हैं वो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी म्यूकोसा जो है, जो पिंक टिश्यू से मिलके बनी है, वो आपकी आपके माउथ को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्मॉल वर्म कॉल्ड पीपले गिव द टंग इट्स राउंड टेक्सचर्स। क्या होता है, आपकी जो टंग है इस तरीके से आपकी टंग कुछ दिखती है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो इसलिए हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने बनाए रखी है। ठीक है, सो इसमें छोटे छोटे से, आप अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा टंग को, तो इस तरीके से छोटे छोटे से पॉइंट से दिखते हैं, यही आपके पीपले होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी टंग को राउट टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। यानी क्या है कि आपकी जो टंग है वो स्मूथ नहीं है, राउट है यानी रफ टाइप की है, तो इसको ये टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब थाउजेंड ऑफ टेस्ट वर्ड्स कवर टू द सर्फेस ऑफ पीपले। क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ टेस्ट वर्ड क्या, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, वो इस, ये जो पीपले है इसकी सर्फेस को कवर कर रखे होते हैं, यानी थाउजेंड से भी ज़्यादा इस तरीके से पीपले इसको कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये पीपले हैं वो क्या करते हैं, यही हेल्पफुल होते हैं आपको किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में। आप कोई चीज़ खाते हो, जैसे वो तीखा हो, मीठा हो, है ना, या खट्टा हो, कैसा भी हो, उसका टेस्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये टेस्ट वर्ड ही उसकी उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। आप कोई चीज़ को खाते हो तो ये जो टेस्ट वर्ड है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, चूँकि ये आपका अंदर से ही पूरा कनेक्शन टाइप का जुड़ा हुआ है ना, नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये क्या है, ब्रेन से आपके जुड़े हुए हैं, तो ये जाके नर्व इम्पल्स को, जैसे आपने मीठी चीज़ को या कैसी भी चीज़ को खाया, उसने क्या किया, नर्व इम्पल्स को जनरेट किया और इन्फॉर्मेशन जाके ब्रेन तक पहुंचाई, और ब्रेन ने फिर एक्शन लिया कि ये खट्टा है, मीठा है, किस तरीके का है, तो इस तरीके से वो डिटेक्ट कर लेते हैं। सो यही इस लाइन का मतलब है। देखिए, द टेस्ट वर्ड आर कलेक्शन ऑफ नर्व। ओके, सो नर्व का ये कलेक्शन है, नर्व सेल्स का, दैट कनेक्ट टू द नर्व्स रनिंग इनटू द ब्रेन। ओके, वही चीज़ है ये। आप क्या है देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जो कि थ्री टाइप्स मैंने दिखाया। देखिए, मैंने एक और टंग का स्ट्रक्चर दे रखा है, आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वो बना लेना जाके, लेकिन हाँ अभी ये भी हम लोग देख लेंगे। साइड व्यू मैंने दिया है, आप इसको भी अगर वहाँ बना दें तो और अच्छा है। इसमें क्या है, मैं टंग के पार्ट को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या है, जो आपकी टंग है थ्री पार्ट में डिवाइड है, जो ये वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है अपेक्स, जिसे आप टिप भी बोलते हो। कहते हैं ना कि कोई जब हम बात को सोच रहे होते हैं मुंह से निकल नहीं रही होती, लेकिन हाँ हम लोग को लगता है कि हमको वो पता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो हमारी जवाब पर रखी है, जुबा पर रखी है ना, या टिप पर रखी है, जुबा की नोक पर रखी है, लेकिन मुँह से निकल नहीं रही, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो आपकी ये है ये अपेक्स कहलाती है, इसका पहला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला पूरा हिस्सा वह कहलाता है बॉडी, एंड जो ये वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, ये आपका रूट कहलाता है। अब ये रूट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये आपका अटैच होता है थायराइड से, थायराइड। ओके, जो आपका गला होता है ये उस हिस्से से जुड़ा होता है, ये फिक्स होता है और ये मूवमेंट नहीं करता, ये वाला हिस्सा मूवमेंट नहीं करता, फिक्स होता है, और ये वाला जो मूवमेंट करने वाला होता है इसी से हम लोग क्या है बोल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, ये वाला मूवेबल हिस्सा होता है, और ये वाला जो होता है ये भी बहुत कम मूवमेंट करता है। ठीक है, निलीफाई की तरह। अब हम इनको समझ लेते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं अपेक्स को। सो द टिप और अपेक्स ओके ऑफ द टंग अकाउंट ऑफ द 1/3 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ टंग। ये क्या है, 1/3 इंटीरियर सरफेस है आपकी टंग का। इट इज़ हाईली मूवेबल, ये हमने बताया था ना, हाईली मूवेबल होता है, एंड रेस्ट अगेंस्ट द इंसीजर टीथ इन द माउथ कैविटी। अब क्या है, रेस्ट अगेंस्ट यानी ये आपके इंसीजर टीथ, जैसे कि आपके इस तरीके से सपोज दैट टीथ है। ओके, सो जो सामने वाले चार टीथ है ना, जो सबसे बड़े बड़े थे, हम लोग ये टीथ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देखिए, आप सारे ही समझ जाएंगे टीथ के बारे में। ठीक है,
सो क्या है जो आपके दो नीचे और दो ऊपर सबसे बड़े बड़े दांत दिखते हैं ना, ऐसे समझो चार दांत होते हैं वो सामने दिखते हैं, उसके जस्ट पीछे आपकी टंग का ये वाला हिस्सा होता है एपेक्स। ओके, द टेस्ट बड्स फॉर स्वीट्स आर प्रेजेंट ऑन द पाल्ट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्वीट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या करता है कि आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हो तो वो ये जो पाल्ट है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज़ मीठी है। आप देख लेते हैं अपना सेकेंड टाइप, द बॉडी। बॉडी में क्या है, द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग फ्रॉम इट्स बॉडी। ओके, यानी जो इसका इंटीरियर टू थर्ड पार्ट है वो आपका किसका कहलाता है, टंग की बॉडी का पार्ट है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लिंगुअस पीपले ऑन द अपर साइड मेक द सरफेस रूट राउट। ओके, सो क्या है इसमें क्या होता है, लिंगुअल पीपले होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अपर साइड, जो अपर साइड इसका मतलब है वो उसको सरफेस को रूट बनाने में, रब बनाने में हेल्पफुल होता है। अ लेयर ऑफ म्यूकोसा, जो आपकी इसमें लेयर है म्यूकोसा की, ऑन द अदर हैंड कीप इट मॉइस्ट। वो क्या करती है, आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, माउथ को आपकी जीप को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है या मॉइस्ट करती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ द टंग वेयर द टंग टेस्ट वर्ड फॉर सॉल्ट बिटर एंड सोल टेस्ट आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, साल्ट बिटर है ना और सोल टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये क्या करता है, सॉल्ट मीन्स नमकीन चीज़ आप खाते हो है ना, या बिटर मीन्स कड़वी चीज़ या तीखी चीज़, सोल मीन खट्टी चीज़ जब आप खाते हो तो ये वाला जो पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, सो ये उसको डिटेक्ट आउट करता है ना। आप देख लेते हैं रूट का, सो द रूट अटैच द टंग टू द बॉटम ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। इसमें क्या होता है, ये जो देखिए बॉटम में प्रेजेंट होता है, यानी वही मैंने बताया था ना, रूट थायरॉइड से अटैच होता है। ठीक है, इट अपीयर बिटवीन द मैंडिबल्स ओके एंड द थायरॉइड बोन्स, बताया था ना, सॉरी हायरॉइड बोन। ओके, सो इससे बना होता है, अपीयर होता है। द प्राइमरी जॉब ऑफ द थायरॉइड बोन्स इज टू बी प्रोवाइड एनकरेज टू द टंग। ओके, अब ये देखिए ये इसका क्या है स्ट्रक्चर, सो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एपिग्लोटिस। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज पैलेटिन्स टॉन्सिल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फॉर्मेंस सिकम, एंड दिस पार्ट नोन एज सल्कम टर्मिनल्स। ओके, देन दिस पार्ट इज नोन एज मिडन लैंग्वल सल्कस। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज फंगी फॉर्म्स लिंगुअस पीपले, एंड दिस पार्ट इज नोन एज अपेक्स एंड टिप TIP। ओके, TIP। ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज लिंगुअल टॉन्सिल, एंड दिस पार्ट नोन एज सरकम लिंगुअल पीपले, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिली फॉर्म्स लिंगुअस पीपले, एंड दिस पार्ट आर ज्वाइन टुगेदर एंड मेक बॉडी। ओके, सो ये दोनों मिलके बॉडी को बनाते हैं। ओके, अब मैं इसको क्लियर करे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सीख लीजिएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमने दिखाया कि इसमें कौन सा पार्ट किस चीज़ का है और क्या डिटेक्ट करता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो अपेक्स का है। ओके, जिसे आप लोग टिप भी बोलते हो, और ये आपका स्वीट यानी मीठी चीज़ को डिटेक्ट करता है, और ये पूरा जो पार्ट है ये आपका बॉडी का है, और इसके नीचे जो रूट का हिस्सा होता है वो थायरॉइड से अटैच होता है। ठीक है, इसमें क्या है, विटर है ना, सोर और टेस्ट साल्टी चीज़ों का डिटेक्ट आउट करता है। ठीक है, टेस्ट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, सो च्यूइंग जिसे जो प्रोसेस होता है वो मेस्टिफिकेशन कहलाता है। च्यूइंग मीन्स क्या होता है, चबाना। ठीक है, तो ये खाने को चबाने में हेल्पफुल करता है। और स्वेलोइंग जिसे हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटेशंस। ठीक है, सो स्लोइंग मींस वही मॉइस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है स्लोइंग, जैसे स्लाइवा के थ्रू इसको क्या करता है, खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ना। स्लाइवा क्या है आपका, जिसे आप थूक बोलते हो है ना, उसी से आपका खाना क्या होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड होता है। देन स्पीच में हेल्पफुल होता है, टेस्ट के लिए हेल्पफुल होता है ना, स्पीच तो आप जानते हो कि बोलने के लिए। ठीक है, देन मूवमेंट एंड मिक्सिंग, जब क्या है आपकी जुबा जो है वो मूवमेंट करती है, तो क्या होता है, ये खाने को भी मूवमेंट और मिक्सिंग करने में हेल्पफुल होता है। देन स्पीच एंड साउंड फॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही होगा बोलने में स्पीच में है ना, और साउंड फॉर्मेशन कहते हैं ना, अगर जिसकी जुबा कटी होती है वो बोल नहीं पाता, इसी वजह से, क्योंकि साउंड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है,
तो ये इसका कुछ फंक्शन है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।